हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जेपीएससी की तरफ से एक जॉब अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि झारखंड में 166 वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति हेतु जेपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन के लिए जो कि विज्ञापन को जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को बता दें कि 16 अप्रैल 2021 तक जो कि इसका आवेदन मांगे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी देने वालों की कौन कौन से लोग जो है कि इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, क्या उम्र सीमा है और चयन हेतु जो कि इसमें क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इसका क्या सैलरी मिलने वाला है, सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आएगा जो भी वीडियो जाए, जो भी अपडेट्स आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विज्ञापन है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा जो कि जारी किया गया है और विज्ञापन संख्या पर आप देख सकते हैं 4/2021 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया कि झारखंड पशुपालन सेवा के पशु चिकित्सक यानी सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा यहाँ पर है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, यह आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर आप लोग को मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जो कि डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आप लोग को यह जो कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए, यहाँ पद का नाम बताया गया कि पशु चिकित्सक जो वेटनरी डॉक्टर हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर विज्ञापन को निकाला गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से पदों कैटेगरी के लिए कितना पद यहाँ पर निकाला गया, यहाँ पर जो कि कैटेगरी वाइज जो कि डिटेल्स में यहाँ पर बताया गया है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दें आप लोग को जो अनडिजर्व है यानी कि जो जनरल कैटेगरी वालों जो है उन लोग के टोटल 50 पोस्ट के लिए यानी कि 50 पदों पर जो कि भर्ती है तो विज्ञापन को जारी किया गया है। और जो ईडब्ल्यूएस उन लोग के लिए 12 है। और यहाँ पर एससी के लिए जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पर 13 रखा गया है और एसटी वालों के लिए 32 है और बीसी वन वालों के लिए 10 और बीसी टू वालों के लिए 10 पोस्ट यानी कि इन कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए यहाँ पर जो कि पद जो है कि निकाला गया। टोटल अगर देखा जाए तो 124 है फ्रेंड्स और 42 और भी पोस्ट हैं, उसके बारे में आप लोग को आगे जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 124 पोस्ट जो है कि निकाला गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए आगे आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसके लिए जो वेतन मान रहने वाला है वह 9300 से लेकर जो कि 34800 तक इसका वेतन मान रहेगा और इसका ग्रेड पे जो रहेगा फ्रेंड्स वह 5400 यहाँ पर बताया गया है। और यह जो यहाँ पर वैकेंसी होगा या इसका जो पद होगा वह अस्थायी होगा और परीक्षा या मान अवधि जो इसका रहेगा फ्रेंड्स 2 वर्ष का रहेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जो शैक्षणिक अनिवार्य योग्यता इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग को जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 सूची 1 एवं 2 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय या संस्थान में पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक यानी पशु चिकित्सा विज्ञान में आप लोग को स्नातक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि आप जो है कि BBSC किए हुए हैं या फिर AH किए हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दें आप लोग को BBA पोस्ट हुआ यानी कि BBSC यानी कहने का मतलब हुआ कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस से अगर आप हैं या फिर यहाँ पर AH कहा गया है, AH यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पर बताया गया कि भारतीय पशु चिकित्सक या झारखंड राज्य पशु चिकित्सक परिषद से निबंधित होना चाहिए, यह भी बताया गया है। जो भी मतलब है आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारतीय पशु चिकित्सक परिषद या झारखंड पशु चिकित्सक परिषद से यह जो है कि निबंधित होना चाहिए, ठीक है ना, जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को आगे बता दें कि जो इसका उम्र सीमा मांगा गया वह न्यूनतम जो कि 22 वर्ष रखा गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दें जो उम्र की गणना किया जाएगा वह 1 अगस्त 2017 से किया जाएगा, 1 अगस्त 2017 से जो कि इसका उम्र की गणना किया जाएगा। और इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया है, जो जनरल वाले हैं उन लोग के लिए 35 है और यहाँ पर जो भी मतलब BC 1 और 2 वाले हैं उन लोग के लिए जो कि 37 वर्ष है अधिकतम उम्र। और जो यहाँ पर मेल के लिए और फीमेल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 38 ईयर्स और जो ST SC हैं उन लोग के लिए यहाँ पर 40 वर्ष जो है कि यहाँ पर रखा गया है। जो EWS हैं उन लोग के लिए यहाँ पर 35 वर्ष जो है कि जो मैक्सिमम अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष रखा गया है। और जो भी मतलब कि डिसेबिलिटी है PWD से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा जो कि 10 ईयर्स का जो है कि यहाँ पर एज रिडक्शन दिया जाएगा। और जो एक सर्विस मैन है उन लोगों के लिए भी जो कि यहाँ पर 5 ईयर का जो कि एक्स्ट्रा जो है कि यहाँ पर एज रिडक्शन जो कि दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे आप लोग को बता दें चयन हेतु जो इसका प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि इसमें जो कि 2 पेपर होंगे जिसमें एक लिखित होगा एक मौखिक होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होंगे यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर बताए कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के आएंगे यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो लिखित परीक्षा में फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देखिएगा आपका जो एग्जाम होगा लिखित परीक्षा में सबसे पहले देखिएगा प्रथम पत्र रहेगा लैंग्वेज पर रहेगा, द्वितीय पत्र लैंग्वेज पर यहाँ पर दिया गया हिंदी और अंग्रेजी में। और इसमें फ्रेंड्स दोनों में जो है कि 100-100 अंक के रहेंगे, लेकिन 100-100 अंक जो प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें 30 अंक जो है कि लाना अनिवार्य है। जो 100-100 अंक के रहेंगे इसमें 30 अंक जो है कि आप लोगों को लाना अनिवार्य रहेगा।
और फ्रेंड्स यहाँ पर तृतीय पत्र में देखते हैं तो तृतीय पत्र आपका दो सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि एक पशु औषधि विज्ञान यानी कि जो वेनेटरी जो मेडिसिन है, और जो पशु शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी कि वेनेटरी सर्जरी के लिए, जो इसके लिए जो है कि तृतीय पत्र में 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। और चतुर्थ पत्र जो रहेगा वह पशु गर्भ विज्ञान और पशु पोषण विज्ञान, इसमें भी 200 यानी कि 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और पंचम पत्र जो रहेगा, पाँचवा पत्र जो रहेगा, उसमें पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन, और उसके बाद जो कि पशु प्रजनन एवं अनुवांशिकी से पूछा जाएगा फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पर, वो भी इसमें जो है कि 200 मार्क्स का रहेगा। और अगर टोटल यहाँ पर देखा जाए फ्रेंड्स 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 यानी कि 800 जो है कि आप लोगों का यहाँ पर लिखित परीक्षा होने वाला है 800 मार्क्स का। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि आगे आप लोग को बताया गया है, यहाँ देखिएगा जो प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र आप लोग को मैंने हिंदी इंग्लिश में बताया, उसमें जो कि 30 अंक लाना आप लोग को अनिवार्य होगा। और जो प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र जो होगा इसकी गणना जो कि कुल प्राप्तांक में नहीं किया जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि तृतीय चतुर्थ और पंचम पत्र जो रहेगा इसी पर जो है कि यहाँ पर मेधा सूची जारी किया जाएगा और जो साक्षात्कार होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी मतलब विस्तृत जो पाठ्यक्रम आयोग मतलब इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है जो वह आप जो कि आयोग से जो कि आप डाउनलोड करके जो कि देख सकते हैं डिटेल्स में। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो मौखिक परीक्षा होगा या फिर इंटरव्यू जिसको बोल सकते हैं साक्षात्कार, वह 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जो साक्षात्कार होगा, मौखिक परीक्षा, और ऊपर मैंने आप लोगों को बताया सभी को लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा को लेकर का जो कि यहाँ पर जो है कि एक मेधा सूची जो है कि जारी कर दिया जाएगा, जारी किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है कि विज्ञापन के लिए जो मतलब जो भी मतलब कैंडिडेट को है उसको लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे आप लोग को बता दें आरक्षण के लाभ के बारे में, तो आरक्षण का लाभ जो फ्रेंड जो झारखंड के अस्थायी निवासी होंगे उन लोगों को जो कि झारखंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, और आरक्षण लेने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो भी रेसिडेंशियल होगा, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा आप लोगों को प्रोवाइड करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर नोटिफिकेशन बताया गया कि 25/2/2019 के बाद का जो है कि जाति जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है आप लोग को देने होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि जो भी मतलब DC और SDM के यहाँ का अगर आप लोग 2019 से पहले का भी होगा तो आप लोग को यहाँ पर वैलिड माना जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को बता दें आगे कि इसमें कुछ फ्रेंड्स आरक्षण के लिए यहाँ पर देख सकते जो भी मतलब जो खेलकूद से मतलब बिलोंग करते हैं, जो खेलकूद कोटा के लिए मतलब आरक्षण का दावा करते हैं, उन लोग के लिए जो यहाँ पर बताया गया है कि सीधी भर्ती यहाँ पर कराया जाएगा, नियुक्ति कराया जाएगा, इसके लिए कुछ आरक्षण प्रतियोगिता स्तर पर कुछ दिया गया है यहाँ पर नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आप लोगों को बता दें इसका जो परीक्षा शुल्क होगा, तो परीक्षा शुल्क फ्रेंड्स यहाँ पर 600 आप लोगों को जो भी OBC और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन लोगों के लिए 600 रुपीज लगेंगे, और जो भी ST SC के जो लोग हैं या आदिम जनजाति के जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर जो है 150 यानी कि 150 रुपये जो है कि आवेदन शुल्क यहाँ पर लगने वाले हैं। और जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर 40% से 40% से मतलब क्या है कि दिव्यांग हैं तो उन लोग का जो कि यहाँ पर परीक्षा शुल्क माफ़ है, ठीक है ना, परीक्षा शुल्क उन लोगों को नहीं देना है, उन लोगों को माफ़ है। फ्रेंड्स यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ऑनलाइन आवेदन इसका किया जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन करते समय फ्रेंड्स यहाँ पर प्रमाण पत्र संकलन में कुछ नहीं करना है, केवल आपका फोटो और सिग्नेचर वहाँ पर अपलोड किया जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड नहीं करने होंगे यहाँ पर बताया गया है। और यह जो है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है www.jpsc.gov.in पर आप लोग को एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से आप लोग को स्वीकार किया जाएगा, आप जो है किसके माध्यम से जाकर जो कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, और आप लोग को यहाँ सारा कुछ जानकारी दिया गया। अब आप लोग को बता दें कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है कब से किया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो कि दिनांक बताया गया है कब से इसका जो कि ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा इसका आवेदन की तिथि बताया गया फ्रेंड्स की दिनांक 24/3/2021 है, यानी कि 24 मार्च 2021 से लेकर जो है कि 16/4/2021 तक जो है कि आप कर सकते हैं, 16/4/2021 तक जो है कि आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया ये ऑनलाइन करने का फ्रेंड्स, और यहाँ पर फी भुगतान करने का तिथि जो है कि 16/4/2021 से 17/4/2021 तक जो है कि यहाँ पर आप लोग जो है कि इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को जो जानकारी था आप लोग को दे दिया कि किस पोस्ट मतलब 142 जो पद यहाँ पर निकाला गया है इसके लिए जो कि क्या क्या जो है कि करना है, किस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना है, और क्या जो है फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आने वाला है, क्या सैलरी मिलने वाला है, क्या योग्यता है, कौन कौन से लोग जो किसमें आवेदन कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल गया हो फ्रेंड्स। आगे आप लोग को ले चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो 42 पोस्ट जो है आप लोग को बताया था कि आप लोग दिखाने में, तो यहाँ पर देखिएगा 42 पोस्ट के लिए कौन कौन से कैटेगरी में कितना है। तो अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स 0 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, और EWS वालों के लिए भी यहाँ पर कुछ नहीं है, और जो SC है उन लोगों के लिए 22 पोस्ट है, यहाँ पर ST वालों के लिए 5 है, BC1 वालों के लिए 15 है, और जो BC2 है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर 0 है फ्रेंड्स। अगर टोटल देखा जाए तो 42 पोस्ट पर जो कि भर्ती निकाला गया है, और टोटल फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो 124 पिछले वाले ऊपर में आप लोगों को दिखाया था, और उसके बाद जो कि यहाँ पर 42 है टोटल अगर है तो 166 यहाँ पर पदों पर जो कि भर्ती हेतु जो है कि यहाँ पर आवेदन को जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है इसमें भी वही रहने वाला जो मैंने आप लोग को जानकारी दिया। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी भी मिल गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, वहाँ पर आपका डाउट जो है कि क्लियर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।